और कुछ लोग जो है जो एनडीए के गठबंधन के जितने कुछ माननीय सदस्य हैं, कुछ कारणों से तीन लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, तो उसके चलते जो भी स्थिति हो सबको पता है। बाकी सब लोग यहां पर उपस्थित प्रतिदिन रहते हैं, कोई भी बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों को सूचित करके ही लोग बाहर जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से सब लोग उपस्थित हुए हैं जो एनडीए के समर्थन में है, लेकिन ये घोर आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, अब बाहर बैठे। अब आप देख लीजिए जो आपका था, हम लोगों की तरफ से यहां पर चार लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं कि छह लोगों ने दिया, लेकिन सबके सब कोई यहां उपस्थित नहीं है। तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है और ये सबको मालूम है, इसलिए आज जो लोगों को जो पक्ष में इनके मत देना था वो सिर्फ हां कहने से नहीं बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है, ये अच्छी बात है, ये साफ बात हो गई। और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थी वो ठीक नहीं, और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है सरकार उनकी बनती है और वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है, और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कि इतने दिनों से कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सब ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंतोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था विचार हुआ, पारित हुआ। अब उसके बाद आज का दिन था और आज का दिन आप सोच लीजिए, ये तो तय हुआ कि भाई बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसका चुनाव हो जाए, इसके लिए आपने इसके लिए कल ही का डेट नॉमिनेशन के लिए निर्धारित कर दिया परसों, ये सब जिनको करना था कर दिया और आज ही उनका निर्वाचन होना था, आज भी हो गया। और आज के बाद आप बताइए कि आज के दिन क्या है, आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है, लेकिन अब पता नहीं क्या है कैसी मानसिकता है ये लोग जाने। लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और जिसके लिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, और इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक और सब लोगों की भागीदारी अब ठीक ढंग से होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता कि पूरे सेशन में तो चलता रहा लेकिन अंत तो गत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात हुई है, तो हम लोगों को क्या मतलब उससे। लेकिन एक एक चीज के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं है जो पूरी बात को रखते नहीं, और सबको अधिकार है और प्रश्नकाल के लिए तो सबको अधिकार है। हम तो अपने गठबंधन के मीटिंग में भी हमेशा कहते हैं कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है, ये उनका अधिकार है प्रश्न करें, उनको पूछने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, इसका कोई रिश्ता सरकार से नहीं और कोई सरकारी जब संगठन में है उससे नहीं है, तो सब लोग पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको ये अधिकार है और आप बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ लोगों के मन में क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं, जो उनको अधिकार मिला हुआ है अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई भी चीज है, कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सदन को अधिकार है उसके बारे में कोई निर्णय नहीं।